हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आज समझेंगे ये राग भूप का सरगम गीत। पहले ये एक्सेल शीट का जो चार्ट नज़र आता है, इसको कैसे पढ़ते हैं ये समझ लेते हैं। ये चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है त्रिताल 16 मात्रा, चार खंड, टाली 1, 5, 13 और खाली 9। इसका मतलब है त्रिताल के 16 मात्रा होती है, चार खंड होते हैं, टाली पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर, खाली 9वीं मात्रा पर। अभी ये चार्ट में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 16 नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं मात्रा या बीट। उसके नीचे रो नंबर 2 में तबले के बोल दिए हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। उसके नीचे रो नंबर 3 में पहले बीट के नीचे जो क्रॉस सिंबल है उसको सम कहते हैं, यहाँ पे पहली टाली बजती है। बीट नंबर 5 के नीचे जो 2 लिखा है वहाँ पे दूसरी टाली बजती है। बीट नंबर 9 के नीचे जो 0 लिखा हुआ है वहाँ पे खाली बताया जाता है, और बीट नंबर 13 के नीचे जो 3 लिखा है वहाँ पे तीसरी टाली रहती है। अभी ये जो संगीत के सुर रहते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, जिन सुरों के ऊपर छोटा सा डॉट होता है वो हायर पिच के नोट्स यानि तार सप्तक के नोट, और जिन सुरों के नीचे डॉट होता है वो लोअर पिच के नोट, लोअर ऑक्टिव के नोट यानि खर्ज के नोट। जिस सेल में आपको एस लिखा हुआ दिखाई देगा उसका मतलब है वो सेल के पहले का जो स्वर है उसको वहाँ पे एक्सटेंड करना है, और जिस सेल में रेस्ट लिखा है उसका मतलब है उस मात्रा पर आपको चुप रहना है। अब यहाँ पे जो स्थाई लिखा हुआ है, स्थाई यानि गीत का या इस सरगम गीत का पहला हिस्सा, स्थाई के पहले रो के बाद लास्ट कॉलम में जो 2 लिखा है ये इसका मतलब है ये लाइन आपको 2 बार गानी है। फिर स्थाई की जो दूसरी लाइन है वहाँ पे 2 और ध्रुव लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो लाइन 2 बार लेनी है, और ध्रुव ध्रुव का मतलब है ध्रुपद, ध्रुपद यानि पहली लाइन, पहली लाइन 1 बार लेनी है। अब इसे हम करेंगे कैसे, मैं हर एक लाइन 1 बार गाऊंगा, बाद में मैं सिर्फ बजाऊंगा, जो कराओके ट्रैक जैसा होगा वो सिर्फ बजते हुए नोट्स के साथ आपको ये स्वर गाने हैं, यानि वो कराओके पैच पर आपको गाना है। मैं जब गा रहा हूँ तब आप वो ध्यान से सुनोगे तो उसकी धुन भी आपको याद रहेगी, और वैसे जब आप गा रहे हो तभी आप गा पाओगे। इस तरह से ये सारा जो नोटेशन लिखा हुआ है इसकी पद्धति यही रहेगी। चलिए पहले गाते हैं राग भूप के आरोह अवरोह। ऊपर चार्ट में देखिए ये आरोह अवरोह लिखे हुए हैं, इसे हम कर रहे हैं काली 5 पट्टी में यानी ए शार्प स्केल में। इसे हम करेंगे 80 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा 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 Da 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 Da
शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार होता है जिसे तिहाई कहते हैं। ये पहली मात्रा से आठवीं मात्रा तक जितना पैच है उसे हम तीन बार गाएंगे। वेरी गुड, सुपर। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे फोन कीजिएगा मेरे नंबर 8879183901 पर। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा।